नमस्कार भाई और बहनों। भाई और बहनों, आप आज इस वीडियो में सीखोगे कि हम कैसे अपने ब्लॉग का एक ऐप बनाते हैं जिसके द्वारा हम उसको मोनेटाइज करते हैं और जिससे हमें ज़्यादा अर्निंग होती है। तो आप सीखेंगे कि हम कैसे अपने ब्लॉग का ऐप बनाते हैं। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को खोलना है। इस वेबसाइट का नाम है appsgear.com। उसके बाद आपने इसको साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद इसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आप देखोगे कि ऐसा आएगा। इधर साइड में आपने क्या करना है, टिक ऐप, क्रिएट ऐप। तो आप इस वीडियो में सीख रहे हो कि हम ऐप का कैसे ब्लॉग का हम ऐप बनाते हैं। तो नीचे दिखा रहा है, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के द्वारा आप बना सकते हैं। मैसेंजर है, ब्राउज़र है, जो भी है, वेबसाइट, मैसेंजर, ब्लॉग, ये ब्लॉग हम आज सीखेंगे कि हम ब्लॉग का कैसे ऐप बनाते हैं। इस पर टिक करना है, डबल क्लिक। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका ब्लॉग है यहाँ पर नेक्स्ट करना है। हमने ब्लॉग ओपन किया, फिर हमने ब्लॉग ये सेकंड सिलेक्ट करना है। वर्डप्रेस का है तो फर्स्ट और ब्लॉगर का है तो सेकंड। तो मैं ब्लॉगर से बता रहा हूँ। इसके बाद हमने blogger.com खोलना है, जिसमें अपने अपना ऐप बना वो ब्लॉग बना रखा है। उसको क्या करना है, अपने ब्लॉग को खोलना है। जैसे ये मैंने बना रखा है कंप्यूटर टेक स्पॉट, तो इसको हमने आर्ल को कॉपी करना है। इसके बाद इसको हमने क्लोज़ कर दिया और फिर हमने ऐप वाली साइट पर जाना है। ऐप वाली साइट पर जाकर हमने यहाँ पेस्ट करना है और फिर क्या करना है, नेक्स्ट। सभी ने ध्यान से देखना, सेकंड पर टिक करना है। ब्लॉगर है blogger.com का, तो blogger.com से ही सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करना है। फिर हमने नेक्स्ट किया। इसके बाद कह रहा है कि इसमें क्या नाम रखोगे आप इसका, तो कंप्यूटर टेक। मैंने इसका नाम रखा कंप्यूटर, CompuTER, कंप्यूटर टेक, और नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद इसमें डिटेल डालनी है कि आप क्या 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 करना चाहते हैं। कंप्यूटर टेक्निकल सपोर्ट, CHINI, टेक्निकल, TECH, टेक्निकल सपोर्ट। कंप्यूटर टेक्निकल सपोर्ट, कंप्यूटर टेक्निकल सपोर्ट, तो मैंने इसमें यह डाल दिया। कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो हमने ये डाल दिया इसके अंदर। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, जो डिफ़ॉल्ट दे रहा है ऐसा इसका लोगो आएगा, तो नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट। तो अब देखो कि ये हमारा ऐप बन गया है। ओके, तो इसको हमने क्या करना है, नीचे टेस्ट योर ऐप, इस पर टिक करना है। टेस्ट योर ऐप, उसके बाद पब्लिश करना है। तब ये थोड़ा टाइम लेगा, 2 या 3 मिनट। आपने 2 या 3 मिनट वेट करना है, नीचे टिक करना है टेस्ट योर ऐप, इसके पर। इसके बाद आपने पब्लिश करना है, थोड़ा वेट करना है। आप इस वीडियो में सीख रहे हैं कि हम कैसे फ्री में ऐप बनाते हैं और उसको कैसे मोनेटाइज करते हैं जिससे हमारी अर्निंग होती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो अभी बता रहा है, सर्विस इज़ टू बिजी, जस्ट डोंट लीव द दिस पेज ए फ्यू मिनट। ओके, सर्वर अभी बिजी है, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट। ओके, आप नीचे देखोगे गेटिंग अप ऐप डाटा द टू बिल्ड APK। ये कह रहा है कि आपका जो ऐप है बिल्ड हो रहा है, ये नीचे कंप्लीट हो जाएगा 100% उसके बाद ये डाउनलोड के लिए आ जाएगा।
100% कंप्लीट हो गया है। इसके बाद तो ये आपने देखा, ये कंप्लीट हो गया। तो क्लिक योर ऐप द डाउनलोड, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर टिक करना है, इसको हमने डाउनलोड करना है। ये टिक डाउनलोड अभी नीचे आ रहा है। अब ये देखोगे कि अब ये नीचे डाउनलोड हो रहा है कंप्यूटर टेक। इसको इसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड करके इसको मोबाइल में मेमोरी कार्ड के अंदर कॉपी करना है, वहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। जैसे हम ऐप को इंस्टॉल करें, ये ऐप है, ये हमारा ऐप डाउनलोड हो गया है। इसको अब हम क्या करेंगे, मोबाइल में कॉपी करेंगे, मोबाइल को कनेक्ट करके साथ में। अब ये तो होगी बात हमारी, ये ऐप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है, इसके बाद हमने इसको पब्लिश कर दिया। तो हमारा ऐप बन गया और वो पब्लिश हो गया। अब आप देखोगे कि हमने क्या करना है, इसको मोनेटाइज। आप ये देखते हैं नीचे लिखा पब्लिश के नीचे मोनेटाइज, मोनेटाइज पर हम टिक करेंगे। मोनेटाइज करने के बाद हमने क्या करना है, एड मोब। एड मोब एक वेबसाइट है जो जैसे गूगल एड सीन है वैसे ही ये एड लगती है। तो हम इसके एड मोब को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने इस एड मोब से यहाँ से आईडी कॉपी करनी है। अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इसको, मैंने ऐड मोब को खोला और उसके बाद मैंने साइन इन किया, इसको साइन इन यहाँ से। यस, पहले से आप इसमें रजिस्टर्ड होने चाहिए तभी आप साइन इन कर सकते हो। इसके बाद आपने देखा कि मैं साइन इन हो गया हूँ। तो ये कह रहा है कि मोनेटाइज न्यू ऐप, तो इस पर हमने टिक करना है। तो इसके बाद आप क्या करोगे कि आप सर्च भी कर सकते हो अपने ऐप को, सर्च नहीं तो उसको ऐड कर दो, ऐड योर मैनुअली, इस पर टिक कर दो और ऐप का नाम डाल दो कंप्यूटर टेक। कंप्यूटर टेक सेलेक्ट एंड्रॉयड, उसके बाद मैंने ऐप ऐड ऐप करना है। उसके बाद ये बता रहा है ऐड इस पर कैसी चाहिए आपको, तो टेक्स्ट ऐड ठीक है। नीचे आप ये चेंज भी कर सकते हो जो ऐड है, तो इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड पर टिक करना पड़ेगा। कस्टमाइज कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, ये जो तीन चार है तो मैं इसको स्टैंडर्ड ही रहने दूँगा, ठीक है। उसके बाद ऐड यूनिट मैंने डाल दिया टेक्निकल TECH। तो इसके बाद मैंने सेव कर दिया। अब आप ये जो देख रहे हो, ये नीचे वाली आईडी ऐड यूनिट, तो इसको कॉपी करना है और कहाँ पेस्ट करना है, ऐप स्केयर में मोनेटाइज पर आपने जाना है। फिर से बता दूँ, आपने मोनेटाइज में जाना है। उसके बाद ये नीचे दिखा रहा था ऐड मैप, तो इसको हम ऐड मोब के ऊपर टिक करेंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और इधर भी यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एक मिनट हम फिर से चेक करेंगे, ये पुरानी आईडी तो नहीं ले रहा हमारी 729। ओके, देखो ये पुरानी आईडी उठा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे,
यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, क्योंकि अगर आपने तीन चार आईडी बना रखी है तो पुरानी वाली उठा लेता है ऑटोमेटिक। ओके, तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, तो कॉपी किया है और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट करना है, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर, कंट्रोल बी। अब आप कंट्रोल बी, अब आप देखोगे कि ये मैंने आईडी डाल दी है इन दोनों के अंदर, यहाँ पर एड मोव के अंदर, यहाँ पर वो टिक करना है और सेव सेव कर दें। ऐसे हम ऐप बनाते हैं फ्री में और उसको मोनेटाइज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। मगर सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ये जो हमने डाउनलोड किया था इसको अपने मोबाइल के ऐप में इंस्टॉल करना है, वहाँ पर इंस्टॉल करके फिर इसको ओपन करना है, तो इसमें देखेगा कि आपको ये ऐड दिखाएगा। तो ऐसे हम फ्री में ऐप बनाते हैं और उसको मोनेटाइज करते हैं। थैंक्स।